सीआईए 3 पुलिस ने घर में चोरी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे 40,000 रुपए की बरामद। सीआईए 3 इंचार्ज अनिल छिल्लर ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी टीम 15 नवंबर को गश्त के दौरान छोटूराम चौक पर मौजूद थी और उन्हें गुप्त सूचना मिली कि चोरी करने के आरोपी विक्रम और विक्रांत छोटूराम चौक की तरफ आ रहे हैं, जिसके बाद टीम अलर्ट हो गई और उन्होंने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर 16 नवंबर को कोर्ट में पेश कर 3 दिन की पुलिस रिमांड पर ले लिया। और रिमांड के दौरान पकड़े गए दोनों आरोपियों ने एक और आरोपी की पहचान बताई, जिसे पुलिस ने दबिश देकर कल पानीपत की डाबर कॉलोनी से गिरफ्तार कर लिया। और पुलिस के द्वारा तीनों आरोपियों से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने दीपक नाम का युवक, जो कि पानीपत के कुटानी रोड का रहने वाला है और फिलहाल सेक्टर 25 चंडीगढ़ में रहता है, उन्होंने कहा कि उन लोगों ने चोरी किए हुए गहने उसको बेचे हैं और पुलिस के द्वारा कल चंडीगढ़ आरोपी दीपक के ठिकाने पर दबिश देकर उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया और सभी आरोपियों से बेचे गए जेवरों के 40,000 रुपए बरामद किए गए। वहीं आज उन्हें कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।